हमीरपुर में 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ रेप घटना के बाद परिवार वालों को मिल रही धमकियों के चलते सीपीआईएम के द्वारा डीसी और एसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। इस अवसर पर सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर अनिल मनकोटिया की अगुवाई में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ नेपाली समुदाय के लोगों ने एसपी अरिजीत सिंह ठाकुर से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। हमीरपुर में 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ रेप घटना के बाद परिवार वालों को मिल रही धमकियों के चलते सीपीआईएम के द्वारा डीसी और एएसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपकर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। इस अवसर पर सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर अनिल मनकोटिया की अगुवाई में पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ नेपाली समुदाय के लोगों ने एसपी अरिजीत सिंह ठाकुर से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। वहीं एसपी अरिजीत सिंह ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को इस मामले में पूरी निष्पक्षता से काम करने की बात कही। पीड़ित परिवार के सदस्य ने बताया कि एसपी से मिलकर परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि एसपी ने आश्वासन दिया है कि पुलिस नेपाली परिवारों की पूरी सुरक्षा करेगी और हर वक्त सहायता करेगी। उन्होंने बताया कि पहले पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है और पुलिस थाना में भी अभद्र व्यवहार किया गया है। मेरा नाम पवन कुमार, एसपी ने ऐसा बोला है कि जो भी होगा हम है आपके साथ, तो आपको डरने की कोई चीज नहीं है। जो भी करना होगा हमसे बोलना, जो कहीं रात को आधे रात को कोई भी जो बताएगा तो उसको आने के लिए मना किया है। जो भी दिन में बोलेगा जहाँ पर बोलना होगा हम अपने अंदर करेंगे। अच्छा जवाब कोई नहीं मिला सर, जो जैसे बच्ची को माँ को बोलने नहीं आते थे तो हम बोलने के लिए तैयार थे पर बोलने नहीं दिया। वहीं इस मामले में एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि सीपीआईएम के सदस्यों के साथ पीड़ित बच्ची के परिवारजन ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द पुलिस केस को कोर्ट में पेश करेगी ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिल सके। वहीं केस को रफा दफा करने के लिए पैसे के लेने की बात को एसपी ने नकारा और पुलिस के किसी भी कर्मचारी ने ऐसा नहीं कहा है। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर और उनके साथ जो पीड़िता के परिवार वाले और कुछ अन्य नेपाली मूल के व्यक्ति अभी मुझसे मिलने आए थे केस से रिलेटेड, और मैंने उनसे बात की और उनको डिटेल भी बताई है कि हमने किस तरह से केस अभी तक डील किया है और उसमें आगे हम क्या कर रहे हैं। हम जल्द ही केस अपना कोर्ट में पुट इन करेंगे और ये भी मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि हम इसमें क्या क्या कर चुके हैं और हम फॉरेंसिक डिटेल जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसका वेट कर रहे हैं। जब एक बार वो डिटेल आ जाएगी वो हमारा चलान पूरा पुट इन मतलब तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उसको कोर्ट में पुट इन करेंगे और वही मैंने ब्रीफिंग आज इनको दी और उनको जानकारी करवाई। सर मैंने पीड़िता की माता को और बाकी सब परिवारजनों को यही समझाने की कोशिश की कि इस तरह के प्रलोभन अगर कोई दे रहा है तो आप उसमें मारें और ऐसा कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो हम दें, वो अगर कंप्लेंट देंगे तो हम उसमें इंक्वायरी करेंगे। पर न्याय के रहते हुए मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस तरह के प्रलोभन में अगर आता है उनके पास ना आए और अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें उनका कोई खतरा या कोई डर या उसका रहता है तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 साल की नेपाली बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी व्यक्ति मुख्तियार सिंह पटियाल को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है और इससे पहले 3 दिनों तक आरोपी पुलिस रिमांड पर रहा है। आरोपी ने गत सप्ताह ही बच्ची को टॉफी देकर अपने कमरे में बुलाकर गंदे मंसूबों को पूरा किया था। वहीं पीड़िता की माँ को बच्ची के द्वारा पेट में दर्द होने की बात बताने पर मामला जाहिर हुआ था, जिस पर पुलिस के पास मामला दर्ज हुआ था।